ये सैयद हाफिज आसिम मुनीर, ये जो हमारे मुल्क के सिपा सलार हैं, मेरी जान इन पर कुर्बान, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट तो अमेरिका में भी हो रहे हैं। ये दुश्मन अनासिर लोग नहीं चाहते कि हाफिज आसिम मुनीर साहब जनरल के ओहदे पर इसी तरह रहें। वो चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द इस ओहदे से हटाया जाए। उनके इस्तीफों की बात की जा रही है। मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए जिस हद तक गैर मुल्की एजेंसियां जा सकती हैं वो जाएंगी, और घटिया किस्म के जर्नलिस्ट भी हायर करेंगी जिनको पैसे भी देंगी, और आर्मी के खिलाफ बकवास करवाएंगी करेंगी। ये सैयद हाफिज आसिम मुनीर जो कि मेरिट पर आए हैं, मेरी जान इन पर कुर्बान, ये शहजादा, ये बीबा बंदा, इसने अपने आप को सियासत से बहुत दूर रखा है। ये जनरल बनना तो नहीं चाहते थे, लेकिन मेरिट पर सिलेक्ट हुए, और जब जनरल बने तो उसी टाइम इन्होंने चाइना को यकीन दहानी कराई, बल्कि चाइना खुद गए और सी पैक का मंसूबा स्टार्ट करवाया। रशिया के साथ मुआहदा हुआ, ईरान के साथ मुआहदा हुआ, एक पूरा ब्लॉक बना पाकिस्तान के अंदर। और आप देखिएगा, इन 2 से 3 महीनों के दरमियान पेट्रोल 150 पर आएगा, और भी मुल्क के अंदर बहुत से तरक्याती काम किए जा रहे हैं। गैर मुल्की एजेंसियों को ये इंसान बहुत खटक रहा है। दोस्तों, ये वक्त है अपनी फौज का साथ देने का, उनको गले से लगाने का और उनका माथा चूमने का, उनके गलों में हार डालने का।